हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में एक बार फिर से, जहां मैं आपको सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊंगा। तेलंगाना के अहम शहर सिकंदराबाद ब्रिटिश काल से ही दक्षिण भारत का एक बेहद ही महत्वपूर्ण नगर रहा है। इसकी स्थापना 1806 में ब्रिटिश कैंटोनमेंट के रूप में की गई थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों आसपास में ही हैं और ये दोनों शहर यहाँ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर रहे हैं। सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन कोड SC हैदराबाद शहरी क्षेत्र में एक प्रमुख इंटरसिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन और एक कम्यूटर रेल हब है। शहर के केंद्र में स्टेशन भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में है। ये 1916 में काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के खुलने तक निजाम के गारंटीड स्टेट रेलवे का मुख्य स्टेशन था। 1951 में इस स्टेशन को भारतीय रेलवे ने अपने कब्जे में ले लिया जब NGSR का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन एक A+ कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है और भारत के शीर्ष 100 सबसे ज्यादा टिकट बुकिंग किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों में से एक है। वेल दोस्तों, सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के इस खासियत के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के सभी क्षेत्रों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। लगभग 1,70,000 यात्री प्रतिदिन 229 ट्रेनों में स्टेशन पर आते हैं या प्रस्थान करते हैं। विजयवाड़ा वाड़ी सिकंदराबाद की मुख्य लाइन और सिकंदराबाद मनमाड़ रेलवे लाइनों पर यह दक्षिण मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय और सिकंदराबाद डिवीजन का मुख्यालय है। स्टेशन को टिकट बुकिंग, पार्सल और लगेज बुकिंग और प्लेटफॉर्म प्रबंधन में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ISO 9001 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय भी है और सिकंदराबाद मंडल का मुख्यालय भी है। ये राज्य का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और विजयवाड़ा जंक्शन के बाद सिकंदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में कुल 10 प्लेटफॉर्म हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म 24 से अधिक डिब्बों वाली ट्रेनों को संभाल सकता है। प्लेटफॉर्म 7 और 8 के बीच एक अतिरिक्त ट्रैक है जो कि हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उपनगरीय ट्रेनों, जहां 2 ट्रेनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी छोटी लंबाई के कारण रुका जाता है, के लिए एक सर्विस ट्रैक है। प्लेटफॉर्म 6 और 7 को 2 6A और 6B और 7A और 7B में विभाजित किया गया है। दोस्तों, इस स्टेशन पर रोजाना औसतन 229 ट्रेनें चलती हैं। अधिकांश ट्रेनें सिकंदराबाद से शुरू या समाप्त होती हैं। विजयवाड़ा वाड़ी लाइन जो स्टेशन से होकर गुजरती है, सिकंदराबाद की सबसे व्यस्त लाइनों में से एक है। ये एक IR फ्रेट स्टेशन भी है। सिकंदराबाद में कई लाइनें हैं, जैसे कि सिकंदराबाद रेपल्ले, सिकंदराबाद निजामाबाद लाइन और विजयवाड़ा वाड़ी लाइन। दोस्तों, सिकंदराबाद में आधुनिक सुरक्षा और पार्किंग सहित कई यात्री सुविधाएं हैं। स्टेशन के बगल में सफाई और रखरखाव के लिए कोच डिपो भी बनाया गया है। स्टेशन के आसपास का क्षेत्र कभी कभी भीड़ भाड़ वाला होता है। स्टेशन में रेस्टोरेंट, कैफे, एक कॉफी शॉप, बुक स्टॉल, वेटिंग और क्लॉक रूम, एक साइबर कैफे, पर्यटन एजेंट और ट्रेन पूछताछ काउंटर, डिजिटल ट्रेन स्टेटस बोर्ड और फुट ओवरब्रिज भी है। एक फार्मेसी में एक डिस्पेंसरी और प्राथमिक चिकित्सा किट भी है। 3 प्रतीक्षालय स्टेशन के उत्तरी प्रवेश द्वार पर हैं और 2 दक्षिणी प्रवेश द्वार पर हैं। एक वातानुकूलित प्रतीक्षालय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है और 1 नॉन-AC शयनगृह पहली मंजिल पर है। प्लेटफॉर्म 10 पर दोनों दक्षिण प्रवेश प्रतीक्षालय वातानुकूलित हैं। यहां पर लगभग 11,000 यात्री प्रतिदिन प्रतीक्षालय का उपयोग करते हैं। सिकंदराबाद में सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा कर्मियों का अच्छा संग्रह है। पूरे स्टेशन में 45 फिक्स्ड और पैन टिल्ट जूम कैमरे लगाए गए हैं, जो इंटरनेट सक्षम डिजिटल वीडियो कॉल रिकॉर्डर और इंटरकनेक्टेड डिस्प्ले मॉनिटर से लैस हैं। PTZ कैमरे 360 डिग्री तक घूम सकते हैं और इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक की है। प्रणाली को स्टेशन के रेलवे सुरक्षा बल चौकी पर नियंत्रित किया जाता है। यहां पर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए RPF कर्मी भी मौजूद रहते हैं। 13 सितंबर 2008 के दिल्ली बम धमाकों के बाद स्टेशन पर 9 निगरानी कैमरे लगाए गए थे। सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी कार और मोटरसाइकिल पार्किंग स्थल है और स्टेशन के प्रवेश द्वार पर एक
ऑटो रिक्शा स्टैंड भी है। दक्षिणी प्रवेश द्वार में नगर पालिका और निजी टैक्सियों के लिए एक टैक्सी स्टैंड है। सिकंदराबाद स्वचालित पार्किंग प्रणाली वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन में दो टिकट काउंटर हैं। एक में सामान्य श्रेणी का टिकट खरीदा जा सकता है तो दूसरे में आरक्षित टिकट खरीदने की सुविधा है। पानी के संरक्षण के लिए सिकंदराबाद ने स्टेशन पर 12 मिलियन रुपए का वाटर रिक्लेमेशन प्लांट लगाया है। 800 कोच, एप्रन और प्लेटफॉर्म की सफाई सहित स्टेशन के रख रखाव के लिए प्रतिदिन 30,000 लीटर से भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जल पुनर्चक्रण संयंत्र के साथ उपयोग किए गए पानी को एकत्र किया जाता है और जैविक और रासायनिक उपचार के लिए संयंत्र में भेजा जाता है। दोस्तों, सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन NSG-1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। यह NSG का मतलब होता है नॉन सबर्बन ग्रुप। सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन में ट्रेन संबंधित पूछताछ हेतु 139 और 040-277-8617 पर डायल किया जा सकता है। वेल, दोस्तों, स्वच्छता के लिहाज से देखें तो स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के एक रिपोर्ट के अनुसार सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का साफ सफाई के मामले में पूरे भारतवर्ष में 42वां स्थान है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।